छोड़ दिया, इस चल पड़ा वहां तो लंगोटी लंगोटी में। और फिर कोसरा श्री कृष्ण जी ने देखा मित्र, और मेरे तो पूछा नहीं का और कुशल है, मेरी कुशल तो वह सामने दिखाई थी उसने। अब कहने का भाव यह है कि ज्यादा विस्तार ना करें, तो वहां जाकर देखा तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर महल को देखकर आश्चर्यचकित रहा। अब इसी आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। पुण्यात्माओं, इतना सहयोग तो एक मंत्री दे दे अपने मित्र ने, अब कलयुग के मंत्री सहयोग दे सकते हैं। एक बढ़िया सेक्टर में प्लाट अलॉट कर दें और मकान बनवा दें, कोई बड़ी बात नहीं। इससे क्या मोक्ष हो गया, इससे क्या जन्म मृत्यु का पीछा छूट गया। अब इसी के तुलनात्मक बताते हैं कि एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी गणी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देते थे। पहले ऐसा ही होता था, और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम कराया करता एक लोहार के एरन पे। एक लोहार के एरन पे ऐसे घन मारन की ओवर टाइम सेवा कराया करता, वो भी उसको कुछ मेहनताना पार्ट टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी, कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पर तो उसको खाना खाए बगैर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसने खाना खा लिया था, एक दो रोटी जैसी गर्ते ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, एक दो बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा, तू जा। दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है, अपनी माता से कहा कि माता जी, ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत, दो रोटी का आटा था घर में, बस दो रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तू बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया, एक दो बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊँगी, आते समय ये लोटा ले आऊँगी। अब वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे, माई ने रोटी रख दी आगे,
और लोटा जल का रख दिया और कहा महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा हम हमारे पास कुछ धन हो जा, परमात्मा रोटी खाने लाएगी। एक रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती कई बार ते, कुछ दया बख्शी हो कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहाँ बेल या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की और बकरियाँ की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है, वह बेल उठाई वह चैन और उसको 4 बार मोड़ लिया, इतनी रहेगी वह, और खड़ा होकर उसके पुत्र के उस तैमूर लंग के परमात्मा ने पीठ में नू करके 7 मारी और फिर 2 मारी, फिर मारी लातर मुके। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया दी, खैर कह यू मेंटल है बता भी मतलब मेरे बेटे ने पीटन लग गया। तो माई ने कहा महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुनात्मा तैमूर लंका पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया, और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था, ये तो इतिहास साक्षी है। अपने आत्माओं क्या हुआ, अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आएगी अपने घर पे हमने। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी कराया करता, गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लेते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी, तैमूर लंग वहाँ बकरी भेड़ चरा रहा था, इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे, उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मनो बचाइए, और पाड़ी दौड़ा तलट हो से एक बांध के सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया, मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूर लंग को इतना मार पीट दिया, उसको मर्त करके छोड़ के चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक कल्पना होगी, ए भगवान मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं, इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तड़प बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया,
सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमूर लंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा जिस एहरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारन जाता घण मारने, उस एहरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, हीरे पन्ने द्वारात सोने की असरफियाँ, बहुत गणा खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू मतलब स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पर ले लेना, वो दे देगा। कहते हैं परमात्मा जब दया बख्शता है दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा, अपनी माँ से वो स्वप्न बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एर मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा ऐसे ही दिखे। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मुझे भी स्वप्न थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूर लंग ने कहा, माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो कहने लगी, बेटा हमने कौन देगा वो एरन, एरन का स्थान था को 20-30-50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूर लंग ने कहा कि माता जी, महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी, बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एरन वाले लुहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था, कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूँ, चाहे एक साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूर लंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा, भाई इस एरन समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूर लंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप एरन समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो कहने लगा, मैं एरन समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एरन पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा, भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा, भी एक वर्ष में दे देंगे। तैमूर लंग कहने लगा, एक वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि एक वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आप पे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूर लंग ने कहा, लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए ठीक है। उसने एक दो दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर स्वप्न में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेतानुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई, खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसके फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूँ। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा, भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे
हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे